नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कोलकाता में के दमदम में रोड शो किया और उनके रोड शो में भारी भीड़ नजर आई। न्यूज 18 इंडिया से सुकांता मजुमदार ने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है, क्या उन्होंने कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता के दमदम में ये रोड शो सुकांता मजुमदार की तरफ से, जिसमें भारी भीड़ देखी गई, बड़ी तादाद में समर्थक और कार्यकर्ता यहां पर जुटे। भाजपा राज्य अध्यक्ष सुकांता मजुमदार दमदम में रोड शो कर रहे हैं, पहला रोड शो है और देखिए भीड़ सड़क पर आपको दूर तक लोग नजर आएंगे। सुकांता दा, बालूरघाट में भी चुनाव चल रहा है, यहाँ पर आए हैं, कोलकाता में भीड़ तो काफी है। देखिए कलकत्ता में दमदम जो लोकसभा है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट लोकसभा है, क्योंकि इससे पहले भी दो बार ये लोकसभा हम जीत चुके हैं। तो दमदम को कभी बीजेपी का घर माना जाता था, उसके बाद थोड़ा हम इसमें पीछे चले गए, तो आगे आने वाले समय में ये लोकसभा हमें जीतना है। और हमारे सिलभद्र जो दा हमारे कैंडिडेट हुए हैं उनको जिताना है। आपका चुनाव कैसा चल रहा है बालूरघाट में? देखिए बालूघाट में चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, आगे आने वाले समय में बालूघाट सीट भी दूसरी बार हम नरेंद्र मोदी जी को उपहार देंगे, गिफ्ट करेंगे। यही कारण है कि गृह मंत्री आ रहे हैं, पहली सभा गृह मंत्री जी का मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरे वहाँ पे आना है, तो इसलिए मैंने गृह मंत्री जी को रिक्वेस्ट किया था और गृह मंत्री जी राजी भी हो गए थे। प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं? अभी तक जो तय हुआ है 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी रायगंज में और बालूरघाट में पश्चिम बंगाल में दो जगह पे वो अपना रैली करेंगे। मध्य प्रदेश के दौरे पर गए राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में ईंधन खत्म होने की खबर पर बीजेपी ने तंज कस दिया। एक दिन पहले राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के मंडला और शहडोल में चुनाव प्रचार किया था, लेकिन खबर आई कि राहुल के हेलीकॉप्टर में ईंधन खत्म हो गया और फिर मौसम भी बिगड़ गया, इसलिए उन्हें शहडोल में रुकना पड़ा और अगली सुबह वो सड़क के रास्ते रवाना हुए और रास्ते में उन्होंने महुआ बीनने वाली महिलाओं से मुलाकात की। ये महिलाएं एमपी के उमरिया जिले की रहने वाली थी और राहुल ने जैसे ही इन्हें देखा वो उनसे मिलने पहुंच गए और कुछ देर उनसे बात की। इसके बाद राहुल गांधी सड़क के रास्ते उस जगह पहुंचे जहां उनका हेलीकॉप्टर खड़ा था। इससे पहले कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि मौसम बिगड़ने से राहुल का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेगा। ये भी खबर आई कि राहुल के हेलीकॉप्टर में ईंधन खत्म होने की वजह से भी उन्हें रात में शहडोल में ही रुकना पड़ा। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कस डाला। तो मैंने कहा कांग्रेस का ही फूल खत्म हो गया। राहुल गांधी एक दिन पहले मध्य प्रदेश के मंडला और शहडोल पहुंचे थे और चुनाव प्रचार किया था। इन दोनों सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और इसीलिए कांग्रेस ने अपने प्रचार को धार देने के लिए राहुल गांधी को बुलाया था, लेकिन इस दौरान राहुल के हेलीकॉप्टर में ईंधन खत्म होने पर सियासत शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हुए हमले को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि वहां एनआईए की टीम गई है, सब ठंडा कर देगी, एसिड गिरा है तो कीड़े मकोड़े चूहे और सांप बाहर निकल रहे हैं। एनआईए की टीम पर जो हमला हुआ था, इस मुद्दे को लेकर दिलीप घोष की तरफ से निशाना साधा गया। उन्होंने कहा एनआईए गई है, वहां सब ठंडा कर देगी, एसिड वहां अगर गिरा है तो कीड़े मकोड़े उसके बाद बाहर निकल रहे हैं, इसलिए साजिश रची है क्योंकि एनआईए की टीम पहुंची है टीएमसी पर, उन्होंने करारा हमला इसे लेकर किया। तो बड़ी खबर ये पश्चिम बंगाल से हम आपको बता रहे हैं। वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल में सियासी पारा इस वक्त हाई हो चुका है। एनआईए की टीम पर जो हमला हुआ उसे लेकर अब टीएमसी पर हमलावर नजर आ रहे हैं तमाम बीजेपी नेता। एनआईए गेछे सब ठंडा होबे, एखन एसिड पड़े सब पोका मकड़ बेरोच्छे, इंदुर बेरोच्छे, सांप बेरोच्छे, सब बेरोबे, सब ठंडा होबे। पश्चिम बंग के दुर्नीतिमुक्त और दुष्कृतिमुक्त करबे केंद्र सरकार। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के वोट बैंक को सुरक्षित रखने की कोशिश शुरू कर दी। यही नहीं, आकाश आनंद ने दावा किया कि चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी को नुकसान पहुंचाने के लिए नगीना सीट को चुना और इसीलिए उन्होंने विपक्षी गठबंधन का उम्मीदवार बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद के बीच बातचीत का कोई हल नहीं निकला था। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद अकेले ही नगीना के चुनावी रण में कूद गए। उन्होंने वहां धुआंधार प्रचार किया, ढोल नगाड़ों के साथ निकले, आते जाते हुए लोगों से रुक रुक कर मुलाकात की, उनसे हाथ मिलाया, यानी चंद्रशेखर आजाद ने भी नगीना में पूरा दम लगा दिया।
चंद्रशेखर आजाद ने करीब 4 साल पहले अपनी अलग पार्टी बनाई थी और इस पार्टी का नाम रखा था आजाद समाज पार्टी कांशीराम। यानी उन्होंने अपनी पार्टी बनाते समय ही संकेत दे दिए थे कि वो उत्तर प्रदेश में बीएसपी का विकल्प बनने की तैयारी में है और वो कांशीराम की सियासी विरासत पर दावा ठोकना चाहते हैं। और माना जा रहा है कि इसीलिए उन्होंने बीएसपी का गढ़ माने जाने वाली नगीना सीट से अपना पहला चुनाव लड़ने का फैसला किया। और भाई इस बीच केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक ने भी टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी में संविधान को लेकर कोई सम्मान नहीं है, उनका दूसरा काम हिंसा करना है। जिस दिन हिंसा खत्म हो जाएगी उस दिन टीएमसी भी खत्म हो जाएगी। एक करारा हमला निशित प्रमाणिक की तरफ से किया गया। टीएमसी पर लगातार बीजेपी के नेता प्रहार कर रहे हैं, यहां बड़ा आरोप भी टीएमसी पर लगाते हुए दिखाई दिए। आप तक का सबसे सफलतापूर्वक एनआईए ने जांच किया और बहुत अच्छा उनका जो है पिछले रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। जो भी केस एनआईए में जाते हैं वो बहुत जल्दी ही सॉल्व होते हैं और बहुत सारे जो अपराधी हैं उनको भी ढूंढ कर निकाले हैं। देखिए टीएमसी का तो संविधान के प्रति कोई सम्मान ही नहीं है, टीएमसी का तो और एक नाम ही वायलेंस है। जिस दिन वायलेंस खत्म हो जाएगा उस दिन टीएमसी भी खत्म हो जाएगा। टीएमसी क्या कह रहा है इस पे अमल कम करना ही अच्छा रहेगा। और बड़ी खबर आपको बताएं, चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने पूछा है कि महिलाओं के सम्मान से जुड़ी एडवाइजरी के सख्त पालन के लिए क्या किया गया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में रणदीप सुरजेवाला के हेमा मालिनी पर दिए गए बयान का भी जिक्र किया है। रणदीप सुरजेवाला को 11 अप्रैल तक जवाब देने को भी कहा गया है। कांग्रेस की मुश्किलें क्या यहां से बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस मामले को लेकर जवाब मांगा, नोटिस उन्हें जारी किया गया। महिलाओं के सम्मान से जुड़े मुद्दे को लेकर क्या किया है कांग्रेस ने, इस पर जवाब मांगा गया है। इसमें हेमा मालिनी पर जो रणदीप सुरजेवाला ने बातें कही थी उसका भी जिक्र है और उनसे भी खास तौर पर इसे लेकर जवाब मांगा गया है। और गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा ने आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की की बात कही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र नागर ने साइकिल से प्रचार किया और जनता से जुड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। देखिए दोनों गठबंधन की अगर हम बात करें, इंडिया गठबंधन अपनी परिणति पा चुका है। जो उनका चरम था वो टुकड़े टुकड़े हो चुका है। वो एक मैं समझता हूँ कोई नीतियों के आधार पर गठबंधन नहीं है, वो एक खाली समय के अनुसार उनका जरूरतों के राजनीतिक जरूरतों के अनुसार वो गठबंधन हुआ है, विचारधाराओं का गठबंधन नहीं है। आज उसके कारण जो स्थिति उनकी बनी हुई है, आज वो टुकड़े टुकड़े दिखाई दे रहा है कहीं भी। हमारे यहाँ की अगर बात करें तो दोनों पार्टियों ने, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने, तीन तीन बार अपने प्रत्याशी बदले हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि उनका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं चरमराया हुआ है। वो स्वयं सशंकित हैं अपनी जीत के बारे में, अपने प्रत्याशियों के बारे में।